नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक नोट आया है, ठीक है। तो इसमें तो कस्टमर बोल रहा है, इसमें तो ये वाला जो फाइबर सिग्नल का जो इंडिकेटर है, फाइबर सिग्नल देने से जल रहा है, लेकिन यहाँ से जो आरएफ सिग्नल निकलता है, वहाँ से आरएफ सिग्नल इसमें नहीं निकल रहा है। तो इसको हम लाइन देते हैं और देने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ से सिग्नल निकलता है कि नहीं। तो दोस्तों, हम इसमें पहले सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के लिए हमने देखिए ये जो 35 वोल्ट का पावर सप्लाई है, इससे हम इसको सप्लाई देंगे, ठीक है। इसको हम पहले ऑन करते हैं। ये देखिए, ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ से हम सप्लाई देंगे। यहाँ में सारे कनेक्शन में पावर पास होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें कोई सा भी कनेक्शन कर देंगे। ये हमने कनेक्शन इसमें कर दिया है, ये कनेक्शन हो गया है। ये देखिए, इसमें इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है। ये इंडिकेटर इधर शो कर रहा है। तो इसमें फाइबर सिग्नल देंगे अभी। ये हमारा फाइबर सिग्नल का पेस कोड है, इसको हम यहाँ पे लगा के देखेंगे। ये जो इंडिकेटर है, ये जलता है या नहीं। ये देखिए, इसमें इंडिकेटर हमारा जल रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें से फाइबर सिग्नल तो मिल गया। इसमें से आरएफ सिग्नल निकल रहा है कि नहीं, इसको हम देखेंगे। पहले पेस्टकोट को थोड़ा साफ कर लेते हैं। यह भी 3 बराबर से जल रहा है, ठीक है। मतलब -6 यहाँ पे आ रहा है। ये वाला था, अगर ये जलेगा तो -3 आएगा, 3, 6, 9, 12, ठीक है। ऐसा इसमें सैम्पल दिया हुआ है। तो अभी हम इसमें देखेंगे हमारा आरएफ सिग्नल निकल रहा है कि नहीं। तो आरएफ सिग्नल हमने आरएफ सिग्नल का जो मीटर है वो हमने ऑन कर लिया है। ये वाला आरएफ सिग्नल का जो इस मीटर का जो कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें से सिग्नल शो नहीं हो रहा, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए, इसमें कोई भी सिग्नल आरएफ सिग्नल नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें देखिए, लाइट तो जला हुआ है लेकिन इसमें सिग्नल नहीं निकल रहा है, ठीक है। दोस्तों, ये वाला जो वायर है, ये हमारा जो मीटर का वायर है, ये देखिए, ये हमारा मीटर का वायर है आरएफ सिग्नल चेक करने वाला, इसमें सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो उल्टा साइड है उसको भी खोलेंगे। खोलने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे, हमारा वोल्टेज जो हमें इसमें वोल्टेज चाहिए वो बराबर है कि नहीं। उसके बाद हम दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, इसमें क्या दिक्कत है वो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे और इसको रिपेयर भी करेंगे। चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने इसका भी पीछे का भी ढक्कन खोल लिया है। तो ये जो हमारे पास मल्टीमीटर है, इससे हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज हमारा देखिए कितना वोल्टेज इधर, ये हमने एक प्रोब ग्राउंड पे रख दिया और दूसरा हमने पॉजिटिव ले लिया, और इसमें से हम पॉजिटिव सप्लाई चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, 33 वोल्ट हमें इसमें मिल रहा है। तो ये 33 वोल्ट गया कहाँ, इधर से होकर के इस पॉइंट पे आ गया, देखिए 33 वोल्ट, और इस पॉइंट से यहाँ आता है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता है इधर, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट से यहाँ पे दो छोटा छोटा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर सप्लाई आउटपुट निकल रहा है 5 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट निकल रहा है, और ये 5 वोल्ट गया कहाँ, इधर एक छोटा सा जम्पर है,
दो रेजिस्टेंस इधर गया है, इधर जाने के बाद इस आईसी पे गया है 4.5 वोल्ट, और इस आईसी पे हमें कितना वोल्ट मिल रहा है, 4.9 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कम जा रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, तो ये वाला आईसी में वोल्टेज हमें ठीक से मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम मिल रहा है। कोई बात नहीं, ये काम ज़रूर करेगा। इसमें वोल्टेज कम होने का कारण है, लगता है ये RFIC हमारा ख़राब है। तो हम पहले इसमें सिग्नल चेक करेंगे, ये जो हमारा फाइबर आईसी है, ठीक है, ये वाला आईसी, ये ठीक है तो सिग्नल निकालेगा, अगर ये ख़राब है तो सिग्नल नहीं निकालेगा। इसमें से फाइबर सिग्नल इसमें इन होता है और आउटपुट में से RF सिग्नल निकलता है। इस RF सिग्नल इस आईसी पे जाने से बूस्ट होता है, और बूस्ट होने के बाद डबल सिग्नल निकलता है। यहाँ से मान लीजिए 50 या 55 निकल गया, और इधर में आकर के करीब 100 या 90 ऐसे निकलता है। ये दोनों आईसी मिल करके हमारा सिग्नल निकलता है। ठीक है, तो अभी ये जो मीटर का जो प्रोब है, ये जो कनेक्शन है RF सिग्नल वाला जो मीटर है, उसका जो कनेक्शन है ये वाला, तो हम इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखिए, इस आईसी से हमें सिग्नल निकल रहा है, लेकिन इस आईसी का जो पॉइंट है ये वाला, इसमें देखिए कोई सिग्नल नहीं है। तो हम पहले इस आईसी को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आईसी कौन सा रहता है हम आपको खोल के दिखाते हैं। तो पहले पेस्टकोड को खोल लेते हैं, नहीं तो पेस्टकोड हमारा टूट सकता है। और इसका पावर कनेक्शन भी खोल देते हैं, इस मीटर को बंद कर देते हैं। अभी हम इसमें देखेंगे, ये आईसी हम रिमूव करते हैं। इसका जो स्क्रू है, ये दो स्क्रू हमें खोलना पड़ेगा। बहुत जाम हो रखा है, देखिए इधर थोड़ा जाम हो रखा है, तो इसको हम प्लस से पकड़ करके खोल लेते हैं। खोलने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका जो स्क्रू है खोल दिया है, तो इसका जो आईसी है इसको निकाल लेते हैं, ये वाला। इसको हमको खोलना होगा, डिसोल्डर वायर लेना है, ठीक है, ऐसा वाला डिसोल्डर वायर लेना है। उसके बाद हम इस डिसोल्डर से इसका जो पहले सोल्डरिंग किया है उसको निकाल लेंगे। हमने जो ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, ये टेक्निकल मतलब केबल टीवी में जो काम करते हैं उनके लिए बना रहा हूँ, और दूसरे भाई लोग अगर इनमें इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए, ये आईसी निकल गया। तो इसमें तो 6 वोल्ट का आईसी हमको लगाना है। ठीक है, ये हम नया आईसी निकाल लेते हैं। पहले थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं। देखिए, इसे आईसी हमने इसमें से रिमूव कर दिया है। तो अभी हम आईसी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने ये 6 वोल्ट का फिलिप्स का आईसी ले लिया है। ये फिलिप्स का आईसी है, देखिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। वो पहले वाला आईसी ये वाला था, और इसमें स्टिकर चढ़ा हुआ है। तो ये कंपनी कौन सा है, इसमें कोई सिर्फ नंबर दिया हुआ है, देखिए, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम इसमें लगाते हैं। लगाने के बाद दिखाते हैं इसमें सिग्नल कितना निकल रहा है, और ये आईसी कैसा वर्क कर रहा है। तो इसको धीरे से आपको बिठाना होगा इधर से। इसका जो लेग है, इसमें
सात लेग होता है, ये सातों लेग को आपको धीरे धीरे बढ़िया करके बिठाना होगा। इधर से ये हमारा बैठ गया, तो यहाँ पे जो स्क्रू है इसको लगा देते हैं, नहीं तो ये आईसी हमारा हीट हो सकता है, हीट होने के बाद प्रॉब्लम देगा। और अगर इसमें अगर हीट सिंक को अगर हमने अच्छे से अगर कस नहीं दिया तो सिग्नल भी ठीक से नहीं निकलेगा, इसको अच्छे से कसना होगा। ठीक है, हमको देखना होगा उस तरफ इस आईसी का जो पिन है उस तरफ सारा पिन निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सारा पिन निकल गया है, तो हम इसको जो स्क्रू है ये अच्छे से लगा लेते हैं। ये फिलिप्स का आईसी हमने लगा दिया है, तो इसको अभी सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्डरिंग करना है। देखिए दोस्तों, ये सोल्डरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे हम थोड़ा साफ़ कर देंगे, तभी हमें अच्छी तरह दिखेगा इस सोल्डरिंग अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं। और साफ़ किस से करते हैं, थिनर से हम इसको थोड़ा साफ़ कर देंगे। और अभी चेक करने वाले हैं ये हमारा सिग्नल कितना निकल रहा है, फिलिप्स का आईसी कितना किस तरह से काम करता है वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम पहले इसमें फाइबर जो सिग्नल है उसको इधर इन करते हैं, ये हो गया। इसको अभी जो पावर सप्लाई है इसको भी इन करते हैं, ये पावर सप्लाई हमने इसमें इन कर दिया। ये देखिए ये लाइटिंग जल रहा है -6। तो अभी इसमें RF सिग्नल का जो मीटर है उसको भी ऑन करते हैं, ये वाला हमने ऑन कर दिया है। हम अभी देखेंगे सिग्नल कितना निकल रहा है। ये हमने ओके किया, देखिए नोड अभी बढ़िया से काम कर रहा है। ठीक है, इसको कोई एडजस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से वर्क कर रहा है। ठीक है, ये नोड हमारा ओके हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।